हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूं मनी मिराज, मेरे साथ कैमरामैन शशि यादव के साथ। बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर। उस मुजफ्फरपुर जिले में एक गांव है, बहुत प्यारा गांव, जिनका नाम है गरखा। तो हम पहुंच चुके हैं इस गांव में और यहां के लोगों से कुछ बातचीत करेंगे। और कई पार्टियों के नेता आते हैं और एक झूठा वादा करके चले जाते हैं। हो गया सर जी, एक बार फिर से बुदबुदाए ना जाओ। काहे हम देखबे ना कहीं आई कोहा तनी काहे करिया करिया बताई बन नुरला कह आवल ना जाओ। काहे के लिए आते हैं? झाट उगाने के लिए आते हैं। वो कैमरा नहीं हो रहा आपसे, आप बतियाइएगा, आप कैमरामैन बनिएगा। सुनिए ना, ठीक है, मुंह संभाल के बात कीजिए, समझे? बोलने वाले का लूर नहीं है, रिपोर्टर बन गए हैं। कैमरा वाला कहीं पटा पटा के चल जाएंगे। इतना का नहीं खुला तो कथी होगा, खुलता गया और अपने खेतों से हम कमा लेते हैं। बुला के ले आते आते ऐसा हालांकि करी आ रहे हैं। अच्छा चलिए, आप गुस्साइए मत, चलिए फिर से कैमरा कीजिए, फिर से लेते हैं। आइए आइए, उठाइए कैमरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूं मनी मिराज, कैमरामैन शशि यादव के साथ। बिहार के एक मुजफ्फरपुर जिले में हम लोग पहुंच चुके हैं, जिस जिले में एक गांव है, बहुत प्यारा गांव गरखा। इस गांव का हालात आप लोग देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खराब है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं और कुछ लोगों से बात कराते हैं। तो कैमरामैन आप फोकस कीजिए लगातार इस भाई। तो भाई साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप इसी गाँव के हैं? थोड़ा बुझा नहीं रहा है। नहीं मतलब बुझा रहा है, मतलब आपसे पूछे है कि आप इसी गाँव से है। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ डायरेक्ट, है ना? तो कई पार्टियों के नेता आते हैं और आपके गांव में बहुत सारे वादा करके चले जाते हैं, लेकिन इस गांव में विकास नहीं हुआ और यहां सिर्फ मरई है, एक छत नहीं आप लोगों के पास। तो सीधा सवाल सरकार से है, ये सरकार है, आप सवाल कीजिए सरकार से। अरे क्या हुआ भाई साहब, बोलिए सरकार को कुछ। अच्छा साला ये मैं सरकार, अच्छा तो तुम्हें बड़े सरकार कार्य साला वोटो ले ले लो इसका मकान कर लो। अब भाई साहब, अरे सरकार पूरी है, अरे इधर कैमरा मैन है, आप इसमें बोलिए कैमरा में, सरकार तक पहुंचेगी, सीधे बोलिए कैमरा में। हेलो 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 सर, आप बोलिए। अरे भाई साहब, अरे कैमरा कुछ नहीं बोलेगा, आपको जो बोला है बोलिए, यहाँ पे सरकार सुन लेगी आपकी बात। हमें गधा समझ ले पा रहा जो बोल के फंसे जाई। अरे भाई साहब, आपको जो बोला है बोलिए, सरकार सुन लेगी, आपका काम करेगी सुनेगी। तो जब अगला नहीं बोले तब नाम बोलेंगे? अरे अगला कुछ नहीं बोलेगा, जो बोला है आपको बोला है। चोटू समझ ले बार, हम बोल के फंस जाई। बिहार वाला सरकारवा एक गार में पास करके ले गई जे तलैया करी, तो तू वही पे बचावे लबरई के बाजार के ले बार। अरे भाई साहब, आप सरकार को कुछ भी बोल सकते हैं, आपका अधिकार है, आप वोटर है, आप वोट दिए सरकार को, बोलिए। हमको कुछ नहीं बोलना है, हम गरीब आदमी है, सब सरकार जिंदाबाद है, जाइए यहाँ से। ओ सर, चलिए यहाँ से। कथी ऐसा आदमी से पूछ रहे हैं, ये सब खाली मीट भात खाने के फेर में रहता है। चलिए कथी पूछते हैं बहुमत आदमी से, सरकार बोले हैं तो हमको मारने लगा है, बताइए। हाथे मार रहा था तो ठीक है, कहीं लतियाने लगता हमको तब। अरे शशि जी, हम तो बोले हैं सरकार से पूछिए, कैमरा को बोले हैं, हमको क्या पता है कि आपको मारने लगेगा, चलिए आगे। तो ये रहा गारखा, यहाँ के लोगों को मैं बात समझाया लेकिन समझ नहीं पाए, सरकार का नाम लेते ही सरकार पर टूट पड़े। यानी कि समझ लीजिए, अगर सरकार होती सामने तो उसको क्या करते मैं नहीं जानता, आप लोग बता सकते हैं। यहाँ का काम देखकर आप लोग बता सकते हैं, कैमरामैन कैमरा घुमाइए थोड़ा, यहाँ का आप लोग हालात देख लीजिए, एक भी ईटा का घर नहीं है, सब टाटी मरई है। कैमरामैन शशि यादव के साथ मनी मिराज, मुजफ्फरपुर बिहार। हेलो नमस्कार, आदाब सलाम, फिर से आप सबको कल तक भोजपुरी में स्वागत है। हम गारखा से सीधे वैशाली जिला के एक भोसरीपुर में पहुंच चुके हैं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं भोसरी वाले चाचा, और भोसरी वाले चाचा से सीधा सवाल रहेगा चुनाव पे और सरकार के काम काज पे। तो भोसरी वाले चाचा, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे हम। बहुत अच्छे झींगा सहनी जी, चलिए सीधा सरकार के काम काज पे बात करते हैं। कैमरामैन चलिए झींगा सहनी पे कैमरा का फोकस लगाइए। और झींगा सहनी जी, सबसे पहले आप बताइए कि आपके मोहल्ले में नल जल का काम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं नहीं लगा है। अरे आप सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं झींगा सहनी जी, हम तो पूरे रास्ता में देखते हैं कि नल जल का पूरा काम हुआ है, नल लगा हुआ है। लगने से होगा कि नल में जल चाहिए? नहीं, जल मिलना चाहिए भाई, आपको जल नहीं मिलता बराबर? नहीं नहीं मिलता है जल। चलिए कहाँ मिलता है, चलिए आपको हम दिखाते हैं। पानी अभी नहीं करता है नल में, 5 मिनट आता है 24 घंटा में, तो लेटरिन करने जाते हैं तो छिछिरिया करने का नौबत आ जाता है। तो ये है भोसरीपुर का हाल, नल जल लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं है, है ना? हाँ, जैसे ही धोने जाते हैं पानी भाग जाता है। अरे चाचा, आप दारू पिए हुए हैं? हाँ पिए हैं। अरे लेकिन बिहार में तो दारू बंद है, आप कैसे पिए हुए हैं? आप थोड़ी ना, हम व्यवस्था कर लेते हैं। कौन बेचता है दारू बताइए, अभी उसको हम दिलवाते हैं। काय बताएंगे, उसका भी घर परिवार है, थोड़ी ना आप अपना काम करिए, हम पी लेते हैं ना बस। तो ये है झींगा सहनी, ये बोल रहे हैं कहीं ना कहीं से दारू जुगाड़ कर लेते हैं, आखिर ये दारू कौन बेच रहा है, कौन है दारू माफिया?
लगातार फोकस कीजिए कैमरामैन, इसी बात पर चर्चा होगी आज। सर जब से दरुआ वाला बतवा स्टार्ट किए हैं तभी सर कैमरा का बैटरी बैठ गया था। हम बीच में सर आपको नहीं बोले हैं कि आपको खराब वराब लग जाएगा। अब इसमें खराब लगने वाला कौन बात था, चुतिया है क्या आप? कितना मन व्यवस्था उगर लगा चाचा के टेबल पे। सर दूसरा बैटरी लगा लेते, दूसरा बैटरी लगा लेते, फिर से कुछ पूछिए ना। जीना सानी जी, आप जो दारू पर बात बोले थे आप फिर से बोल सकते हैं? बाप का नौकर है क्या आपका? एक ही बात का 10 बार रोटा गया, नहीं बोलेंगे हम एक ही बार बोलते हैं। जाइए मुठेरे रहा कैमरा के कौन है साले, तो ऐसे कोई छाट ना हो घड़ी साले पाप ये वो इधर आ रही तो साले पकड़ा गुरा लगे मर जाएगा। बहुत होगा सर। चलो ये ना सर, लड़का टाइले तो बोल ही रहे हैं लेकिन सर एक पैसा कमाने वाला हम एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। दिखाएं? दिखाओ तो। आई देखिए एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नाम है ओलंपी, ओलंपी ट्रेड। सर इसमें आप सिंपली इन्वेस्ट कर सकते हैं बड़ा बड़ा कंपनी में जैसे कि एप्पल, टेस्ला, अमेजोन और बहुत सारा कंपनी। अच्छा हाँ, और भी बताते रहे। इधर सर आपको सिंपल इंटरफेस मिलेगा और एप्लीकेशन का यहाँ आपको बहुत सारा ट्यूटोरियल भी मिलेगा। अच्छा हाँ, और इधर आप 24/7 सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो सर रजिस्टर कीजिए ओलंपी ट्रेड पे और मेरा प्रोमो कोड यूज कीजिएगा तो आपको मिलेगा $10,000 का डेमो अकाउंट भी। इधर सर आपको बहुत सारा गिफ्ट भी मिलेगा तो रजिस्टर कर लीजिए, और आप लोग भी रजिस्टर कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पिन किया गया उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा, जाके वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और आप लोग भी ट्रेड कीजिए। बड़ा बढ़िया एप्लीकेशन बारे, बहुत बढ़िया सर। कैमरा चलाने से इतना जानकारी कहाँ से रख ले बारे? तो कैमरा चलाते हैं तो इसका मतलब आप हमको गवार समझते हैं का? हां सर तेज बारे थोड़ा सा तेज बने। चलो ऑटो पकड़ के चल लीजिए। तो दोस्तों फिर से एक बार पहुंच चुके हैं लालटेनगंज। ये वही लालटेनगंज है जहाँ पे एक गाना बना था लालटेन वाला। ये बिहार का एक मोतिहारी जिला में पड़ता है। यहाँ का लोग वर्षों से लालटेन जला रहे हैं और आज भी लालटेन जलाते हैं। तो चलिए सीधे सरकार के कामकाज के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर विकास रोता नजर आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर एक विकास हुआ है, यहाँ पे एक बिजली का खंभा लगा हुआ है। मैं कैमरा मैन से दरखास्त करूंगा कि आप पोल पर फोकस करें ऊपर। तो देखा आप लोगों ने, यह हमनी के बिहार जहाँ पर बिजली के खंभा लागल बा लेकिन तार नहीं खे लागल। तो काफी जरी लमटेन डिबिया मटिया तेल डाल के सर एगो लड़के के खराब बा, पूछना लियो कि पुलवा कहिया हलर लखा न त काल परसों में कहीं हलर होई त रउवा टेला। शक्ल से सीधा साधा लगता हूं। अब वो एने आ तो कामा घर हो दादा बा चलो से छोड़ आई खामो कहिया हलर लई। हमरा अभी पापा के बियाह का पहले हलर लई। पापा के बिया से पला है? हाँ। ओ, तो बहुत दिन हो गया ना। हाँ। ठीक बचा। तो रउवा लोगन सुनिए ना, ननकी छौड़ा का को लख ओकरा पापा के शादी से पला है, यानी कि उ छौड़ा रहल छह सात साल के। उ छह सात साल का लड़का था सर, उ नहीं था ना तो 10-12 साल का लड़का था समझे। और यहाँ का लड़का सब ना खाता सर बहुत है, अब बढ़ता ही नहीं है, गुलठिया आ जाता है। आ उससे अभी तनका देर और पूछते ना तो मालूम चलता की छोटका लड़का हुआ के 2-3 गो अभी लड़का है। काथी दो गलाई बतिया तरह शशि जी, तनका कम दो गलाई बतिया ना। वो लड़का के अभी लड़का हुई कौन है अभी? ओकर नूनू तो अभी छीमी लेखन हुई, छीमी लेखन। काम करे वाले काम कर, कैमरा चालू कर। ठीक है सर। तो आप लोगों ने देखा कि ये खामा जो है 10-12 साल से लगा हुआ है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि यहाँ पर काम हो, और कैमरा मैन से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि चलिए सीधा फोकस रोड पे कीजिए। लगातार दिखाते रहिए, आइए सीधे आइए। अरे भाई ये है लालटेनगंज का रोड, क्या रोड है शशि जी, बढ़िया से आराम से। शशि जी नीचे देख के चलिए। अरे बाप रे बाप, ये बताइए ये साला रोड है आए, साला पूरा ईंटा उखड़ल है। दिखाइए रोड का, दिखाइए पर्दाफाश कीजिए सरकार के काम काज का। साला ये रोड है आए, इसमें राई रोड ही चलता है, गिरेगा तो साला मुंह के साथ साथ साला गारो फाटेगा। वहाँ पे चाचा दिख रहे हैं, चलिए विकास के बारे में बात करते हैं। चाचा नमस्कार, कल तक भोजपुरी में आपका स्वागत है। खूब खुशी रहा। चाचा आप इसी गांव से हैं? हाँ यही गांव के बानी, का कॉल से आता नहीं। अरे कहने का मतलब है कि हम लोग मीडिया से हैं। अच्छा। जब हम आपके गांव में पहुंचे तो आपके गांव का रोड का हालत बहुत खराब है, और सरकार बोली थी कि आपके गांव में काम हुआ है, क्या आप बता सकते हैं कि आपके गांव में विकास आया था? ना ये सब फेर फेर में हम ना रहे, हमारा माल जल बा बकरी पठरू बा के आयल ना आयल उससे हमारा कोनो मतलब ना रहा। हम अपने पढ़े दे पर हॉस्पिटल से आई नहीं।
हमारा सरोजिन का ऑपरेशन अलग है, विकास कब आवले कब जाले वो सबका फेरफार में हम ना रहे। अरे चाचा विकास के मतलब रउर गाँव में सरकारी काम काज भइल बा। ए हट हट, गाँव में हमारी नहीं के गाँव में आरो लोग बा, जाके आरो लोग से पूछ, हमारा भैंसी ले आरो के टाइम हो गेल बा। आप इसी गांव से हैं? हाँ इसी गांव से है, बोलिए कथी बोलना है। कौन क्लास में पढ़ते हैं? मंडी क्लास 8 कुमार में पढ़ते हैं। हाँ 8 कुमार, छोड़ी सर, बंटी कुमार 8 क्लास में पढ़ते हैं सरकारी। अच्छा बंटी कुमार 8 क्लास में पढ़ते हैं, चलो बहुत अच्छा। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? बैगन सर, यही फेवरेट है, आलू मटर फेट के खाते हैं। रे माधर चट्टा साला, सब्जेक्ट यानी विषय, विषय कौन सा विषय है तुम्हारा? ओ जा सर, जोड़ घटाओ गुणा भाग कर लेते हैं। विषय पूछ रहे थे जोड़ घटाओ गुणा भाग। अरे हिंदी है कि इंग्लिश है कि साइंस है? हाँ सर ये तीनों में से कौन है, आप इंग्लिश है मान लीजिए। पढ़ाई तुम्हारा बाप का बबौती है कि मान ले, हटो ने झाट उगा रहे। कितना क्लास में पढ़ता है? हम नहीं बताएंगे। नहीं बताएगा क्या है? ये दांत यार रहा है। बाबू तुम कितने क्लास में पढ़ते हो? हम नहीं पढ़ी ले, कहले पढ़ी। अरे पढ़ेगा तो तुम्हारे बाप मदारी का नाम रोशन होगा। हमने रोशन करेगा नहीं थे। चलिए पासे में है, दिखाते हैं। चलिए चलिए भैया, स्कूल का इसी में ना हम पढ़ते हैं, सब लड़का इसी में ना पढ़ता है। आज हमको मलजारी हो गया है ना, तो पापा के गोल पर चुरुक गया है, तो पापा माना कि ये नहीं जाओ, तो नहीं गए है। अब जाइए, हम गुल्ली डंडा खेलने जा रहे हैं। बड़ी खुश है नहीं जाकर। आई हो दादा, ये क्या हो रहा है? वो मार हो रहा है सर, लड़का सब में नहीं देख रहे हैं। अब मास्टर कहाँ है? हेलो क्या करो दादा? कुछ नहीं बस माल से बतिया रहा है ना। जी ऊ छोड़िए ना, हाउ देखिए ना, हाउ मालिश हो रहा है उनका। घुसल जाओ, घुसिए ना, चलिए ना, गाड़ पड़िए ना, हम कैमरा टान रहे हैं। आइए, तो हम पहुंच चुके हैं लालटेनगंज के एक मिडिल स्कूल में। यहाँ पे देखिए लड़का सब उधर लारा पीटी कर रहा है, आज मास्टर देखिए यहाँ पे मालिश करवा रहे हो। मास्टर जी कुछ बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? उधर लड़का सब देखिए तो मारपीट कर रहा है, आप यहाँ मालिश करवा रहे हैं। आज फिर कैमरा उधर घुमाइए, कैमरा मैन थोड़ा हाई मास्टर जी को दिखाइए, माल सब बतिया रहे हैं। नाम क्या थी है? शहनाज। माल का नाम नहीं, अपना नाम बताइए। सैफुल सैफ। दूगो नाम है आपका? मारो दूगो होगा ना, बहुते है, चाहिए क्या? आई मुंह में काला घुस रहे हैं, हटाइए। ध्यान से देखिए पखंडी मास्टर को किस तरह मैडम से बतिया रहे थे। हम बोले किससे बात कर रहे थे, माल से, चाहिए क्या? बेशर्मी की हद होती है, ऐसे मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, कल तक कोई छोड़ी। बने रहिए मनी राजीव बेटा के साथ, आगे तक खाली कैमरा में सजिया दो। सबसे पहले हम नौकर जाकर से पूछते हैं, कथी है आप? आदमी है, हमू देख रहे हैं, हम क्या बोले करिए, पैसा है आप है कथी? स्कूल का एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट होता है, खैर होइए। आप कथी है? मास्टर है। कौन मास्टर? पढ़ाते हैं हम, इस स्कूल के हेडमास्टर है। तो हेडमास्टर है, पढ़ाने के लिए पहले क्या कब से खराब कर रहे हैं? किस बात की पगार लेते हैं आप सरकार से? टाइम से स्कूल खोलते हैं बंद करते हैं, इसी बात का पैसा लेते हैं। लड़का आई तैयो बाबा, ना आई तैयो बाबा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? बिल्कुल नहीं, कोनो हमर प्राइवेट नौकरी बा, सरकारी नौकरी न बा, सरकारी महीनवा के उसे रोकाए वाला बा, आओ तब आ चाहे ना आओ तब। ध्यान से देखिए हेडमास्टर को किस तरह सरकारी नौकरी का घमंड दिखा रहे हैं, यही तो फायदा होगा सरकारी नौकरी का। लड़का बोले करिए लुहा ढो, लेकिन नाड़ू गोर बुरा चाहिए। ये बात सर आप बिल्कुल सही बोले हैं, इसके लिए हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। सब सरकारी नौकरी वाले का यही हाल है, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी सर, हाथी लगाने को करिया लेके था, उसके पास सरकारी नौकरी था, उससे उसका ब्याह हो गया, और मेरे में क्या कमी था सर, देखिए एक बार। अरे साला तू कैमरा करे यार, बड़े के प्रेम कथा सुना रे, कैमरा लगाओ साला। जैसे हेडमास्टर को देख लीजिए, देखने में 35 साल के हैं, और घर में मेहरू जाकर देखिएगा तो 15-16 साल की होगी। कचनार। तो चलिए स्कूल के बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि मास्टर पूरा बकवास है, पैसा देकर घूस देकर नौकरी लिया हुआ है। पैसा लौटा, चल मालिक का। तो बाबू तुम्हारा नाम का बा? धनु। कितना क्लास में पढ़ लो? तीसरा क्लास में। अच्छा बिहार के मुख्यमंत्री के नाम मालूम बा? नहीं मालूम। तो बाबू तुम्हारा नाम का बा? रितिक। रितिक
अच्छा कितना क्लास से पढ़ल? तीसरा। तीसरा में? अच्छा हेडमास्टर का नाम पता बा तोरा? मालूम बा लेकिन ना बता। और नामो नहीं के जानत सर बा। आप कुछ बोलेंगे स्कूल के बारे में? हमको नाम रंजन है, हम बहुत कच्चा लड़का है। दिक्कत ही कर रही है सर। तो आप लोगों ने देखा यहाँ के स्कूल का कितना घटिया स्थिति है। हेलो भाई साहब, आप कौन है? यहाँ के टीचर। टीचर है आप जी? तो आप कुछ बोलेंगे यहाँ के घटिया पढ़ाई के बारे में? हट हट पैखाना लगा। का उपाय हो कोई कर, तो साला नौकरी खा जाए। तो आप लोगों ने देखा स्कूल के साथ साथ यहाँ का टीचर भी घटिया है, बात करने का तमीज नहीं है, हगास लगल है। सर पकड़िए साला को, बहुत बोल रहा है। चलिए तो मैं सरकार से यही दरखास्त करना चाहूंगा कि यहाँ के टीचर को बदला जाए और आर्थिक व्यवस्था को सुधारा जाए। चल